शूद्राधिकरण में प्रथम सूत्र भाष्य सीता उपदेश द्वितीय सूत्र में तो प्रथम सूत्र में अंतिम में विचार हुआ था शोक होने के कारण शूद्र शब्द का प्रयोग प्रायिकों ने किया संबोधन के रूप में। ज्ञानश्रुति का जो स्थिति है जो ऐसा ऐसे थे राजा थे और जो राजा होने के नाते जो जाति शूद्र नहीं हो सकते क्षत्रिय होना चाहिए, इसके लिए यौगिक अर्थ का सहारा लिया। यौगिक अर्थ में जो धातु प्रत्यय आदि लगा के जो अर्थ निकला वो तो सुजा शो के द्वारा एनम आद्रवती आदुद्रावा कहा। तो शोक से रायको के पास दौड़ कर चले गए, इसके कारण रायको ने अपने परोक्षज्ञता को प्रकाशित करते हुए ऐसी संबोधन किया। अब उसके लिए और हेतु देना चाहते हैं कि यहाँ रूढ़िअर्थ छोड़ करके यौगिक अर्थ क्यों लेना चाहिए। यौगिकत्व हेतु अंतरम, यौगिक अर्थ लेने के लिए और हेतु है। ये क्षत्रियत्व गदेश तरत्र दैत्र रथे लिंबा, पहले हेतु दिया था सुगस्य तदनादर श्रवणात् तदाद्रवणात् पूज्यते, तो वहां भी हेतु वही दिया सुगस्य तदनादर श्रवणात्। शोक से संतप्त होकर जाने के कारण ये अभिमान से शोक हो गया और वही सूचना वहां मिलती है दृश्य दे चाहे इस कथा को देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है। सामान्य जिज्ञासा लेकर के सामान्य जिज्ञासु की तरह राजा गए नहीं, यहाँ शेष शोक होने के कारण गए, वो भाव वहां पर हुआ। और एक हेतु है चैत्र रथ के साथ इस राजा का भी संबंध दिखता, चैत्र रथ प्रसिद्ध क्षत्रिय है उसी को दिखा रहे हैं। विदस्य न जाति शूद्रो ज्ञान शुद्धि, इस कारण से भी ज्ञान शुद्धि और त्रायण जाति शूद्र नहीं है। कारण प्रकरण निरूपणेन क्षत्रियत्वस्य उत्तरत्र चैत्र रथेन अभिप्रकारिणा क्षत्रियेण समभिव्यवहारा। यह कारण क्या है, यह कारण कारण ये है प्रकरण निरूपणेन, इस प्रकरण को विस्तार से विचार करने पर क्षत्रियत्वस्य ये राजा का क्षत्रियत्व निश्चित होगा। उत्तरत्र चैत्र रथेन, उत्तर वाक्य में वहाँ जो प्रकरण है प्रकरण जो उत्तर वाक्य वो वहाँ पांचवा खंड में मंत्र में आगे आता है, द्वितीय खंड में आगे है। उसमें चैत्र रथ नाम के जो अभिप्रतारी उनका नाम है चैत्र रथ है ना अभिप्रतारी नाम क्षत्रिय नाम प्रसिद्ध क्षत्रिय है, उसके साथ समभिव्यवहारात् लिंगात गम्य, इसके साथ वाक्यान्वय की दृष्टि से समभिव्यवहार मन वाक्य का लक्षण दिया है। समभिव्यवहारो वाक्य लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाजता में जो वाक्य शब्द आता है समभिव्यवहार नाम से मीमांसा में
वाक्य प्रकट जानते तो समग्री आहार रूप जो वाक्य है वाक्यान्वय से, ये वाक्यान्वय में पूर्वोत्तर वाक्यों को लेकर के प्रकरण के अर्थ को निकाला जाता है। ये वाक्यान्वय महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण का दो प्रकार होता है, तो महावाक्य भी अवांतर वाक्य भी कहते हैं, और वाक्य एक वाक्यता पदे एक वाक्यता के द्वारे अन्वय होता है। जितने सत्य विभाग जिसका है उसका नाम है वाक्य प्रमाण। वाक्य प्रमाण में समभिहारा, समभिहार मैंने वाक्य प्रमाण से देखने पर ये मालूम होता है, यही वहाँ हेतु है, ये आगे क्षत्रिय के साथ इसका संबंध है। उत्तरत्र ही संवर्ग विद्या वाक्य शेष उत्तरत्र का अर्थ करते हैं, सूत्र में जो उत्तरत्र आया है उसका अर्थ है कि संवर्ग विद्या के वाक्य शेष में, संवर्ग विद्या जिस प्रकरण में आया चतुर्थाध्याय के प्रथम खंड से आरंभ होता है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड में दोनों कथा है, अपवाद है, उसके बाद तृतीय खंड से वायुर्वाव संवर्ग ये आरंभ होता है। उत्तरत्र संवर्ग विद्या वाक्य शेष है, संवर्ग विद्या के वाक्य शेष चैत्र रथि ही, चैत्र रथि नाम ये जो राजा है अभिप्रतारी, वो राजा का विशेष नाम है अभिप्रतारी, उसका नाम क्षत्रिय संजीव, ऐसे क्षत्रिय राजा का वहां कथन है। अथ शौनकम च कापेयम अभिप्रतारिणम च काचसेनिम परिविश्यमानो ब्रह्मचारी विभिक्षे, ऐसे वाक्य आता है। अथ एक ऐसा ब्रह्मचारी था जो इस संवर्ग विद्या का अनुष्ठान कर रहे, संवर्ग विद्या का ज्ञान उसको प्राप्त था, वायुर्वाव संवर्ग प्राणोवाव संवर्ग अध्यात्म और अधिदेव में दोनों में उसका ध्यान करके इसी के साथ तादात्म्य को प्राप्त किया, ऐसे ब्रह्मचारी एक थे। वो ब्रह्मचारी भिक्षा लेने गए, ब्रह्मचारियों का नियम था भिक्षा लेने करके भोजन करना, वो भिक्षा लेने के लिए गए तो जहाँ जहाँ जाके भिक्षा लेते थे, ऐसे चलते हुए ये अभिप्रतारी राजा के पास पहुंचे। अतः शौनक शौनकम कापेयम, कापेय इनके गोत्र के द्वारा संबंध है, कापेय का कापेयम अभिप्रतारिणं च, अभिप्रतारी है राजा का नाम, और काचसेनी, काचसेनी दूसरा है, काचसेनी भी थे उनके साथ में बैठे हुए, ये दोनों है। परिविश्यमाणो, ये दोनों भोजन के लिए बैठे हुए थे, और सूपकार आदि जो भोजन बनाते हैं सूपकार परिवेश कर रहे थे, मतलब भोजन भरोसे, भोजन भरोसे हुए मतलब भोजन के लिए तैयार बैठे हुए थे, भोजन भरोसना आरंभ हो गया था उस स्थिति में ये दोनों बैठे हुए थे। उस समय ये जो संवर्ग विद्या के ज्यादा ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी भिक्षे, ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगा, इससे पता चलता है ये जो संवर्ग विद्या है ये ब्रह्मचारियों का अनुष्ठान के योग्य है, क्योंकि वो भी ब्रह्मचारी थे राइट, और ये भी एक ब्रह्मचारी है ऐसा दिखता है, और वो राजा को उपदेश देंगे तो वो तो अलग हो जाएगा, लेकिन वो भी ब्रह्मचारी भिक्षे मैंने भिक्षा किए, वहां जाकर के भिक्षा मांग के मंत्र बोलते, सब क्या है उन्होंने भिक्षा नहीं दी, ये ब्रह्मचारी को दे करके उनको ऐसा लगा ये ब्रह्मचारी बड़ा अभिमानी है अहंकारी है, वो बड़ा जो है अपने अभिमान से बड़ा जो है साधक होता है, बड़े अभिमान देखते है, ये अभिमान को नष्ट करने के लिए भिक्षा लेना पड़ता है, भिक्षा ले इसलिए भिक्षा में लेकर के खाने के लिए कहते हैं, वो भिक्षा में जब जाएंगे तो वहाँ जो भी बातें सुनाई पड़ेगी या जो उनको दिखाई पड़ेगा वो सब का सहन करना, साथ में भिक्षा लेना, ये दूसरे बात होता, अभी यहाँ भी ऐसे ही वो थोड़ा अभिमान से वहाँ खड़ा होकर के भिक्षा मांगा, ये दोनों जो बैठ करके भोजन करने जा रहे थे पहले भिक्षा देना चाहिए था नियम के अनुसार,
भिक्षा मांगा तो भिक्षा दे करके खाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भिक्षा नहीं दिया, वो परोसने वाले को मना कर दे, इसको भिक्षा मत दो, हाथ दिखाया मत दो। अब वो वहां खड़े थे, उन्होंने मैंने भिक्षा नहीं देने का मना किया तो फिर क्या करना था, वो वहां खड़े होकर के कुछ भेज देता, बोलता है आप जो भिक्षा के लिए मना कर रहे हैं कि मैं ऐसे वैसे ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं तो बड़ा जो है सदस्य ब्रह्मचारी हूँ और मैंने ऐसी उपासना की और उपासना करके उस वायु देवता के साथ प्राण देवता के साथ ऐक्य को प्राप्त किया, आज मेरे लिए आपने भिक्षा मना करते हुए उस वायु देवता को निंदा कर रहे हैं, वायु देवता की मनाई हो रही है, ऐसे करके वो देवता के साथ तादात्म्य प्राप्त करके बात करता है। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहते हैं, फिर कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो आपस में कुछ बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद भी थोड़ा उसका अभिमान ऐसा नहीं है, इतना अभिमानी नहीं है जब राजा को मालूम होता है, परीक्षा करने के बाद में बोला था दुपट्टा दे दो, बोल दिया दुपट्टा दे देते, ऐसी कथा है। तो वो जो परिविश्यमान दोनों बैठे हुए थे, अभी उनको लेकर के विचार है, ये जो कापेय अभिप्रतारी है राक्षसेनी है, ये दोनों उसी प्रकरण में आए हुए हैं। तो यहाँ जो कापेय अभिप्रतारी की बात और है, चैत्र रथित्व अभिप्रतारिण कापेय योगाद अवगंतव्यम, अन्यत्र इसकी कथा के साथ जोड़ते, ये जो अभिप्रतारी राजा है ये चैत्र रथी है, चैत्र रथित्व है, चैत्र रथी है इसका नाम, तो चैत्र रथ के साथ संबंध रखने वाले हैं। तो चैत्र रथित्व ये जो राजा अभिप्रतारी राजा है इसका चैत्र रथित्व कापेय योगाद अवगंतव्य, कापेय नाम के साथ जोड़ने से, कापेय नाम के साथ जोड़ने से जानना चाहिए। अब कापेय नाम के साथ चित्ररथ का क्या संबंध है और चित्ररथ और अभिप्रदारी का क्या संबंध है, ये यहाँ स्पष्ट नहीं, यहाँ तो कापेय अभिप्रदारी में बोल दिया, अब अन्यत्र इसको ले जाना चाहते हैं, ये कापेय जो कहा और अन्यत्र भी कापेय कहा, तो ये दोनों एक ही होना चाहिए, क्योंकि सगोत्रों का और समान स्वभाव का, समान अन्वय का, जिनके समान अन्वय होते हैं, समान कुल परंपरा है उनकी, उनको एक नाम से कहा जाता है, ऐसी कुछ प्रथा है। इसके अनुसार ये जो अभिप्रतारी राजा है ये कापेय से संबंध रखते हैं और कापेय का चैत्र रथ के साथ संबंध है, इस प्रकार से उसकी परंपरा देखने से मालूम होता है कि ये क्षत्रिय है। और वो कापेय राक्षसेनी की दोनों की कथा यहाँ आई हुई है, इस प्रकरण में आए हैं, उस प्रकरण से वाक्यान्वय करके समभिव्याहार के माध्यम से हम अर्थ निकाल सकते हैं कि ये दोनों के समन्वय समान अन्वयता है, समान कुल परंपरा आचार है, सभी तो एक साथ इन दोनों का कथन हुआ, प्रकरण को अलग नहीं करते हुए एक ही प्रकरण में दोनों की कथन है, इसलिए उस प्रकार करना चाहिए करके ये परंपरा से संबंध जोड़ते। कापेय योगो ही चित्ररथ से अवगतः, कापेय का संबंध चित्ररथ के साथ जाना गया है, कहा एदेन वै चित्ररथम कापेया अयाजन अयाजयन, ये जो एक ऐसी विशेष है, एदेन मन वहां द्विरात्र नाम की कोई यज्ञ है, उस यज्ञ के माध्यम से एदेन द्विरात्र नाम ना यज्ञ चित्ररथम चित्ररथ को कापेयाहा अयाजयन, कापेय नाम जिनके हैं ऐसे ऋषिकों ने यजन करवाए, तो चित्ररथ को यजन करवाए, किसने कराया कापेय कराए, तो कापेयों के साथ चित्ररथ का संबंध है और वही कापेय शब्द यहाँ अभिप्रदारी में भी आया, तो अभिप्रदारी का भी चित्ररथ के साथ संबंध है, ये कापेय के संबंध से मालूम पड़ता, क्योंकि पहले जमाने में ऐसा होते थे एक एक कुल के लिए उनके अपने अपने पुरोहित होते, आजकल भी वैसे चलते हैं, कुछ लोग जो जानते हैं उनको मालूम होता है, ये कुल परंपरा इसी को कहते हैं,
कि पहले आपके कुल में कौन पुरोहित है, कौन ब्राह्मण वर्ग आपके पुरोहित में थे, उन्हीं से ही पौरोहित करना होता है, तभी बल होता है। जैसे सूर्यवंशी के लिए वशिष्ठ महर्षि पौरोहित थे, ऐसे होते हैं। इसलिए अभी भी कहीं मंदिरों में जाएंगे तो मंदिर में वहाँ उनके पास एक पुस्तक रहता है, बहुत पुस्तक रहती है, वो पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ होता है। आज की परंपरा में कौन कौन पहले आकर के किस पुरोहित से कर्म कराया वो बोल करके लिखा, उनके पास लेखा भी होता है, वो बोल करके देखे कि आप कहाँ से आया पूछेंगे, फिर आपके गोत्र नाम सब पूछेंगे, उससे उनको पता चलता है, वो फिर ढूंढ करके निकाल करके अपने पड़ोसी कर चलता है। वो पूरा पक्का तो नहीं है, कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन लिखते लिख करके रखते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में अभी भी गांव में जितने मंदिर है सब जगह रहता है, अब जाके बोलेंगे तो उनको मालूम रहता, आपके कोई पूर्व जाकर के वहाँ कुछ किया है वो भी मालूम होता है। कई बार हमको भी मालूम नहीं होता, हमारे पूर्व जाकर के करके गए तो वो भी मालूम नहीं होता। तो ऐसा करके करना चाहिए, उसमें क्या है, वो परंपरा के संबंध रहने से वो पूर्व जो कर्म आप कर रहे हैं उसका पूरा फल मिलेगा, तो उसके साथ संबंध रहता है, सबके साथ सबका संबंध होता है, ऐसे उन्होंने बना के रखा है। आजकल तो ऐसे बना देते हैं, पता नहीं चलता है, बड़े बड़े आ रहे हैं तो कोई भी लिख देते हैं, लेकिन उनके बीच में वो साफ रहता है, जो पुरोहित रहते हैं ब्राह्मण रहते हैं वो आपस में इसमें कोई विवाद नहीं करते, जिनके किताब में जिनका नाम लिखा है उस हिसाब से उनको लेकर के कार्य कराते हैं, वो कोई भी होगा, बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, जैसा भी। ये है, ये कारण यहाँ बता रहे, ये सब कर्मकांड की बातें हैं, जिसको जिसका अन्वय कहाँ है, जिसका संबंध जिसके साथ है, जिनके पूर्वजों ने जिसके साथ यज्ञ कराया उनको ही बुला करके उसी कुल परंपरा से लेकर के आपको यज्ञ कराना पड़ेगा। अभी भी यहाँ भी गाँव में ऐसे चलता है, जिनका भी कोई पौरोहित पहले कर रहते हैं वो जो भी कराते हैं उन्हीं को बुलाकर कराते हैं, उनके जो कुल में रहते हैं उनको बुलाकर ही कराना पड़ता, तब जाकर के पूरा फल प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं होता। ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा, अब उसी के माध्यम से हम पकड़ रहे हैं, नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा घुमा फिरा करके दूसरी जगह तांडे ब्राह्मण में ले गया, तांडे ब्राह्मण से इसको पता लगाया, ये जो कापेयम अभिप्रतारिणम है, कापे शब्द चित्ररथ के साथ कापेयाजयन ऐसा वाक्य तांडे ब्राह्मण में आया, इसलिए ये कापेय का उसके साथ भी संबंध है, इसके साथ भी संबंध है, तो ये अभिप्रतारी तो पक्का क्षत्रिय है ऐसा मालूम पड़ता है। अब उसके प्रकरण में वाक्य अन्वय आने पर इसका भी क्षत्रियत्व सिद्ध कर, बहुत मुश्किल है सिद्ध करना, उनके साथ साथ नहीं विवाद में है, विवाद है तो कुछ प्रमाण तो देना पड़ेगा, इसलिए ये प्रमाण लाया। इसीलिए बोलते हैं ना, ये सारे स्मृतियों को धर्म ग्रंथों को सारे याद रखना पड़ता है, तब जानता है तभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं है तो ये सूत्र भी समझ में नहीं आएगा, सूत्र क्या बोलने जा रहे, चित्रग्रंथ को कहाँ से लाया, बाकी कहा तांडे ब्राह्मण से लाया। समान अन्वयानाम च प्रायेण समान अन्वया याचका भवंती, ये नियम है, प्रायेण मतलब सामान्य में ये नियम होता है कि समान अन्वयानाम, समान अन्वय समान कुल परंपरा जिनके, ये समान अन्वय का कुल परंपरा, तो समान कुल परंपरा जिनके हैं उनके ही समान याजक होते हैं। अब ये कापे याजक बोल दिया तो ये इनके लिए भी याजक हो, ये इनके लिए मतलब हमारे उस परंपरा में आए। अभी जैसे आजकल जितने भी क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल में है, उनके कहीं ना कहीं चंद्रवंश राजवंश से या सूर्य वंश से संबंध होगा, तो चंद्रवंश एक राजवंश है, सूर्यवंश दूसरा राजवंश, दो परंपराएं क्षत्रियों की है, इस प्रकार के ब्राह्मणों की भी अलग अलग परंपरा है, गोत्र के हिसाब से भी अलग अलग है, बहुत कुछ है। अब इस पर ज्यादा कोई रिसर्च विचार नहीं हुआ तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन इनके परंपरा पीछे जाकर के ढूंढने पर आपको मिल जाएगा, सभी का मिलता है, चारों वर्ण में जितने भी है सबके मिलते हैं, वो परंपरा रहती है, कहाँ से कहाँ आया, कहाँ से कहाँ गया, ऐसा सब होता है। और बीच में ये जो यहाँ बहुत सारे प्रताड़ना आदि होने से मुसलमानों का राज रहा, बाद में वैदेशिकों का राज्य रहा, ऐसे होने से लोग बहुत इधर उधर चले गए, कोई इधर भागे कोई उधर भागे, तो ऐसे इधर उधर भागने से उनके मूल कहाँ थे उनको मालूम नहीं है,
कुछ लोगों को मालूम रहता है, जो अपने गांव में ही रहे होंगे उनको मालूम रहता है हमारे कुल यही थे, ऐसे थे ऐसे, तो मालूम रहता है। तो बाकी को मालूम ही नहीं है कि कहाँ से आया, अब 300 400 साल पहले आया तो किसको मालूम रहता। अब उस समय बहुत कठिन जीवन थे वो, तो सब भूल भाल गए होंगे, कोई संबंध नहीं है। फिर भी कोई कोई कहते हैं, वो उनको पूछने से उनको मालूम रहते। यहाँ भी कई लोग कहते हैं हमारे जो है पूर्व जो ऊंचे थे ऐसा थे ऐसे करते, ये जो यहाँ के जितने सेमवाल नाम के जो पुजारी है तो गंगोत्री मंदिर के पुजारी है, ये सब महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र में सेमवल नाम के गांव है, वो गांव से आए। ऐसे ये भट्ट है यहाँ, ये जितने भी है ये भट्ट सब कर्नाटक से आए हैं। और यहाँ जो नीचे अभी जो देता है दवाई देता है, एक डॉक्टर है, ये भी भट्ट है, जगदीश भट्ट। और उनके परंपरा ये इनका कहीं दक्षिण से केरल से है संबंध, तो वहाँ भी है। और वहाँ भी ऐसे वो करके बदल बदल करके आ गया, वो उनको बोलते उनका पूर्वज वहीं से आया। ऐसा रहता है, कुछ लोगों को मालूम है कि ऐसे आए हुए हैं, कोई सुनाया होगा तो मालूम है, बाकी उनको मालूम नहीं। इसलिए हम कुछ समय पहले इधर लोगों से बात किए थे, सभी लोग बोलते हैं कोई भी इधर का नहीं है, सभी नीचे से आए, लेकिन अभी तो इधर के हो गए हैं, उनको कुछ पता नहीं उधर के परंपरा। अब उनके कौन परिवार के कौन रहे होंगे, कौन पुरोहित रहे होंगे, क्या है मालूम नहीं। बहुत लोगों को तो गोत्र तो मालूम है, लेकिन बाकी कुछ अन्वय मालूम नहीं। इसको बोलते हैं अन्वय, कुल परंपरा किसमें थे वो मालूम नहीं। ऐसा हो गया है, वो आपत्ति में ऐसे हो गया है। लेकिन इसके द्वारा निश्चित हो जाता कि ये अलग अलग जगह से आए हुए, अलग अलग समय में आए हुए हैं, और उनके परंपराएं वहां थी वो सब छोड़ करके आए हुए। कुछ आचार विचार रहते हैं कुछ तो, बाकी सब बदल जाते, वो बनाए नहीं रख सकते, क्योंकि देश काल के अनुसार सब कुछ बदलना पड़ता है। तस्मा चैत्र रथिर नाम एक क्षत्रपति राजा यथा। अब और एक वाक्य मिला कि चैत्र रथि नामक एक क्षत्रपति था, तो राजा स्पष्ट बता रहे चैत्र रथि एक छत्रपति राजा था, बहुत बड़े नाम थे चित्ररथ का, एक पुराणों में भी इनकी कथा है। तो छत्रपतित्व अवगमाद क्षत्रियत्वमस्य अवगंतव्यम्। इस प्रकार से चैत्र रथि का भी क्षत्रियत्व निश्चय हो गया, और ये कापे के साथ चित्ररथ का संबंध होने से अभिप्रदारी भी क्षत्रिय निश्चय हो गया। तो ऐसा हमारे उसी प्रकरण में आने से ज्ञानस्मृति पौत्रायण भी चित्ररथ या कापेय है, यानी चित्ररथ के साथ संबंध होने से क्षत्रिय है, ऐसा संबंध भी हो गया। यही बोला उत्तरत्र चैत्ररथेना तेन क्षत्रियेन अभिप्रदारिणा सह समानायाम विद्यायाम संकीर्तनम ज्ञानश्रुतेरपि क्षत्रियत्वं सूचयति। इतना ही कह सकते हैं कि उस क्षत्रिय अभिप्रदारी के साथ जिनका कापेयों के साथ संबंध करके चित्ररथ के साथ संबंध है, ऐसे जो अभिप्रदारी है क्षत्रियेन अभिप्रदारिणा सह समानायाम विद्याया, समान विद्या है माने समभिहार वाले विद्या, एक प्रकरण में आए हुए विद्या, उसकी भी विद्या है और इसकी भी विद्या, दोनों है। तो समान आयाम विद्यायाम संकीर्तनम कथन जो है कि शास्त्रीय नेम से ज्ञान श्रुदेर भी क्षत्रिय सूचेगी, ज्ञान श्रुति भी क्षत्रिय है, ऐसी सूचना मिलती है, एक सूचना है। सूचना को यहाँ लिंग कहा है। समानानामेव ही प्रायेण समभिव्यवहाराः भवन्ति। ऐसा क्यों कह सकते हैं आप, किस कारण से आप ऐसे कह रहे हैं कि ये एक साथ इनका दोनों का कथन होने से अब एक होता है। ये प्रायेण ऐसा नियम है, पक्का तो नियम नहीं है, कहीं कहीं बदल करके भी आता है, लेकिन प्राय ऐसा नियम माना जाता है कि समानानामेव समभिव्यवहाराः। एक प्रकरण में अलग अलग वर्गों को लेकर के विचार नहीं किया जाता है। कारण क्या है, अलग अलग वर्ग होने से कर्म में भेद होता है, इसके कारण विचार नहीं किया जाता है। तो समान होगा तभी विचार करते, प्रकरण को देखना पड़ेगा, प्रकरण का जो नियम है, प्रकरण को पहचानने का नियम है, इस नियम के अनुसार देखने पर समान आना में अभिप्रदारी यहाँ है मालूम होगा। तो अभिप्रदारी का और चित्ररथ का संबंध जान करके ज्ञान श्रुति को भी क्षत्रिय सिद्ध कर सकते, वो सामान्य अन्वय मानकर।
और दूसरी बात है कि इस प्रकरण में जब देखते हैं, क्योंकि जब राजा ने हंस वाक्य को सुना, उसके अंदर अभिमान से शोक आ गया, शोक ग्रस्त हो गया, रात को नींद नहीं आए, सुबह सुबह उठ करके संजिहान संजिहान एवं मतलब सुबह सुबह जैसे प्रातः काल में बिस्तर त्याग करके उठते ही सीधा आ गया और अपने सेवक को बुलाया, सत्तारंगवाच जाके देखो बोल दिया था, तो संजिहान एवं सत्तारंगवाच ऐसा जो कहा, ये भी एक सूचना है। क्या है कि छत्र प्रेषणादि ऐश्वर्य योगाच ज्ञान श्रुति है क्षत्रियत्व अवगति। ये ज्ञान श्रुति राजा का जो सेवक है वो क्षत्र है, ये जाति विशेष है क्षत्र। तो छत्र प्रेषणादि ऐश्वर्य योगाच, छत्र प्रेषणादि ऐश्वर्य उनके पास है, उन्होंने सेवक को बुला करके आदेश दिया, तो मतलब उनके पास बहुत ऐश्वर्य है, सेवक आदि है, इससे भी मालूम पड़ता है वो राजा है। जैसे राजा का स्वभाव होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, ऐसा व्यवहार उनका दिखाई पड़ता है। तो सुबह उठ करके उनको बुलाया, बुला करके जो सारथी होते हैं, सारथी आदि को छत्ता कहते हैं। छत्ता क्या सारथे द्वास्थे वैश्यायाम अभी शूद्रजे, ऐसा लक्षण दिया है। तो सारथी आदि जो सेवक है उनको बुला करके आदेश दिया, ये तो सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, ये राजा के लिए ही हो सकता, इससे भी उनका क्षत्रियत्व का निश्चय हो जाता है। छत्र प्रेषणादि ऐश्वर्य योगाच ज्ञान श्रुति है क्षत्रिय, इससे भी ज्ञान श्रुति क्षत्रिय है ऐसा मालूम पड़ता। अदो न शूद्र से अधिकार, इसीलिए जाति शूद्र का वैदिक विद्या में अधिकार नहीं है, ये निश्चय होता है, ये शब्द से भी ऐसा निश्चय होता है। ठीक है, दो नंबर की, एक नंबर भी है, एक नंबर भी क्षत्रियत्व अवगंतव्यम में क्षत्रियत्व क्षत्रश्चासो पदिश्चैति कर्मधारयः, क्षत्रपदित्व में क्षत्रपदि में होना चाहिए, तो क्षत्र भी है वो पदि भी है, ऐसे कर्मधारय करना है। तच्च पूर्वं वाक्योपक्रमे संदेहम अभ्युपेत्यैव वाक्यशेषात् निर्णयः कृतः, पूर्व में क्या किया था, पूर्व जो सूत्र का विचार में वाक्योपक्रम में संदेहम अभ्युपेत्य, संदेह को स्वीकार कर, मैंने ये शूद्र शब्द का अर्थ रूढ़ में होना चाहिए या नहीं, ये संदेह को मान करके विचार किया था, निर्णय कृतः इदानीं नैव संदेह, अब कहना चाहते हैं उसमें संदेह का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि यदि ये ज्ञान श्रुति पौत्रायण क्षत्रिय है ऐसा सिद्ध हो गया तो फिर संदेह का स्थान ही नहीं है, तो फिर विचार करने की आवश्यकता नहीं, पहले संदेह को मान करके विचार किए थे, अब ये संदेह सिद्ध नहीं होता है, कारण ये है कि ये राजा है ऐसे अन्य प्रमाण से सिद्ध है, अन्य वाक्यों से ये क्षत्रिय है सिद्ध है, तो इदानीम नैव संदेह, क्यों शूद्र शब्द परामर्शात प्रागेव अमात्य प्रेषणादिना क्षत्रियत्व निश्चयायुक्त्या, ये कहना चाहिए। शूद्र शब्द का प्रयोग तब हुआ था जब रैको के पास पहुंचे थे, लेकिन उसके पहले वो ज्ञान श्रुति का जो व्यवहार है उससे मालूम पड़ता है, अमात्य प्रेषणादिना, अमात्य आदि को प्रेषण दिया, मैंने आदेश दिया आप जाके ढूंढो ऐसा का, इससे भी उनका क्षत्रियत्व निश्चय हो गया, तो क्षत्रिय तो निश्चय हो गया तो आगे वाके शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा व्यवहार तो उनका मालूम पड़ता है, जो क्षत्रिय राजा है ऐसा मालूम पड़ेगा, और इतना सामान सब कुछ लेके गया, वो सामान्य व्यक्ति लेके नहीं जा सकता है, हजार गाय लेके गया, 600 गाय तो पहले लेके गया, फिर वो हार लेके गया, रथ लेके गया, तो इतने विद्या प्राप्ति के लिए इतना सब लेके जाना राजा का ही स्वभाव दिखता है, अन्यत्र भी बहुत जगह ऐसे ही आते हैं, तो राजा जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, तो राजा जाके सेवा तो करेंगे नहीं, सेवक रूप से वहां रह करके करके लाने का नहीं, उनके पास धन संपत्ति है, तो ऐसे शास्त्र में नियम है जिनके पास धन संपत्ति है तो धन संपत्ति दे करके भी विद्या प्राप्त कर सकता है, जैसे आजकल लोग करते हैं पैसा कमाते हैं बाद में फिर देते हैं पढ़ने के लिए,
और फीस जमा करते हैं, फीस जमा करने के बाद पढ़ाई करते हैं, ऐसा होता है। ये नियम भी है, ये भी गलत नहीं, जिसके पास है वो कर सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है नहीं कर सकते। इसीलिए ये विद्या प्राप्त करने के लिए भी अलग अलग विभाजन करके होना चाहिए। कोई भी जाएगा सब लोग पैसा जमा करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है, जैसा ब्रह्मचारी है, विरक्त है, पैसा नहीं है उसके पास, यदि वो विद्यार्जन करने आएगा तो उनको उनसे पैसा नहीं लेना चाहिए, बिना पैसे से उनको देना चाहिए, जैसे हमारे पूर्व विधान। और उसी प्रकार सबको फ्री नहीं करना चाहिए। जो पैसा कमाता है या कमा करके जमा करके बैंक में डिपॉजिट करके रखा है, तो उनसे पैसा लेकर के ही देना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो वो लेने वाले के लिए पाप लगेगा, देने वाले के भी पाप लगेगा। कारण क्या है? उसके पास पहले से कमाई है, अब वो कमाई क्या करेगा? कमाई तो इसी के लिए ना, धर्म धन किसके लिए? धर्मार्थ बल। तो अभी आप गृहस्थ है, आपने आपके पास पैसा है, अब आपको समय आ गया, विद्या प्राप्त करना चाहते, जैसा राजा गया विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर ये सब लेके जाना पड़ेगा, जा करके विद्या का दान। वो लेने वाले लेते हैं नहीं लेते वो बात अलग है, लेकिन देना उसका नियम, उस प्रकार से धन आदि दे करके विद्या प्राप्त करने का नियम है। और जैसा आप आगे देखेंगे, जो सांधोग्य परिषद आदि में अन्यत्र है, वो ब्राह्मण आदि गए थे क्षत्रिय के पास, राजा के पास, अश्वपति के पास, वैश्वान विद्या आदि का अध्ययन करने के लिए, तो उस समय उन्होंने कोई पैसा वैसा नहीं लेके गया, क्योंकि उनके पास ऐसे पैसा रहता ही नहीं, इसलिए लेके नहीं गया। वो भी तो दान से अपने जीविका चलाते, जाकर के वहाँ जिज्ञासा से पूछते हैं, तो राजा उनको दान देते, बोलते आप आए हैं बहुत अच्छा है, आप रहिए, आपको हम सब व्यवस्था करेंगे, जो भी करेंगे, ऐसा करके बोलते हैं। तो ये है पहले की व्यवस्था ऐसी थी, जिनके पास नहीं रहता था। सर अभी तो जमाना बदल गया, अभी ऐसा बोलेंगे तो आपको सब लोग करेंगे, तो हमको दरिद्र बनाना चाहते हैं, गरीब जैसा भी है, ये अलग अलग स्थिति, तो अलग अलग नियम, अलग अलग ठीक है। शब्दार्थम आहा इतश्च में जो चकार है, हेतुअंतरम एव स्फोरयति, दूसरे हेतु है यहाँ, एक हेतु पहले दे दिया, अब दूसरे हेतु। कथम अभिप्रदारिण चैत्ररथित्वम्, चैत्ररथस्य वा कथम क्षत्रियत्वम्, कथम वा ज्ञान श्रुदे सेन समभिव्याहरा। ये तीन प्रश्न यहाँ हो जाता है। आपने ज्ञान श्रुदि पौत्रायण को क्षत्रिय बनाने के लिए अभिप्रदारी को लाया, और अभिप्रदारी को क्षत्रिय बनाने के लिए कापेय को लाया, कापेय को क्षत्रिय बनाने, कापेय का चित्ररथ के साथ संबंध किया, ऐसा बनाया। तो कापेय जो है ये पुरोहितों का नाम, मैंने कापेय गोत्र के हो गए पुरोहित। ये कैसे कर दिया, इतने घुमाने की क्या आवश्यकता है? तो बोलते कथम अभिप्रदारिण चैत्ररथित्व, अभिप्रदारी राजा का चैत्ररथित्व कैसे होगा, चित्ररथ के कुल में वो कैसे आएंगे, चित्ररथ के साथ संबंध कैसे होगा उसका, और चित्ररथ कैसे क्षत्रिय हो गए, और ज्ञान श्रुति का उनके साथ क्या संबंध है, ये कुछ भी यहाँ स्पष्ट नहीं है, प्रकरण से कुछ बाहर ही दिखता है। ऐसे में कहते हैं तस्मिन सत्य भी वा कथम सत्य क्षत्रियत्व, ठीक है उनके साथ में व्यवहार हो गया इतने मात्र से, ज्ञान श्रुति बहुतरायण कैसे क्षत्रिय बनेगा, वो क्षत्रिय बनेगा बन जाने से क्या ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी, कोई विवाद का विषय भी नहीं रहेगा। क्षत्रिय नहीं होने से तो शंका हो गई थी, अब क्षत्रिय सिद्ध हो गया तो विवाद का विषय नहीं रहेगा, ये सिद्ध करना चाहते, क्योंकि ये तो कोर्ट है ना, कोर्ट में आपको कोई भी दलील देना है, इसके लिए सारे आपको प्रमाण लाना पड़ेगा, प्रमाण ला करके विचार करना पड़ेगा, इसके लिए पूरा शास्त्र का अध्ययन चाहिए। ऐसे आजकल भी होते हैं, आपको प्रमाण चाहिए तो बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा, बहुत ढूंढ करके कहीं ना कहीं से प्रमाण लाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा केस हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तभी जाके आप केस जीतेंगे। अभी यहाँ विवाद विषय है तो उसके लिए प्रमाण ला रहे हैं, ऐसे प्रमाण ला करके पहले सिद्ध कर लिया, क्षत्रिय सिद्ध किया तो विवाद नहीं है, और कहते हैं उत्तर इत्यादि से कहा ठीक है।
संवर्ग विद्या विध्यनंतर अर्थवाद आरंभार्थो अथ शब्द ये अथ हा सौलभम ये जो कहा मूल में अथ शब्द का अर्थ हो गया संवर्ग विद्या के विधान करने के अनंतर अर्थवाद सिद्ध करना चाहते हैं संवर्ग विद्या की सिद्धि करना चाहते तो सिद्धि के लिए अथ शब्द से आरंभ किया शब्दो वृत्तांत अवध्योगी तो अथ हा में जो हा है वो ऐसी से दिखा रहा एक कथा एक समय की बात है ऐसे बोलने के लिए शौनक शुनक से अवध्यम शौनक जो है शुनक का अवध्य है कापेय मन कवि गोत्र पुरोहितम ये पुरोहित है कापेय गोत्र कवि गोत्र के पुरोहित है अभिप्रदारिणम से नामना राजानम अभिप्रदार नाम के राजा को और काठसेनी कठसेन से अपत्य कठसेन के जो अपत्य काठसेनी है वो तो दोनों शायद दोस्त होंगे दोनों बैठ करके भोजन करने के लिए शुरू किए बहु भोक्त उपविष्ट वो दोनों भोजन के लिए उपवेश किया अनासन में बैठ गए सूदेन परिवेश्य मानो जो भोजन के लिए बैठ गया थाली रख दिए तो उसमें परिवेश हो रहा था भोजन भरो तब जो है उस स्थिति में ब्रह्मचारी भिक्षितवान एक ब्रह्मचारी वहां भिक्षा के लिए आ गए भोजन तो ब्रह्मचारी भिक्षया अस्य अशूद्रत्वे भी कथम चैत्रनिधित्वम ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए यहाँ आया है उससे ये जो राजा अभिप्रदारी और काठसेनी ये दोनों शूद्र नहीं है जाति शूद्र नहीं है ऐसा तो सिद्ध होता है फिर भी चैत्ररथि कैसे चित्ररथित्व ऐसे सिद्ध होगा चैत्ररथित्व अभिप्रदारिण कापेय योगाद अवगंतव्य ये सब आपको उनके अन्वय में देखना पड़ेगा अन्वय में देख करके प्रवरान्वय होते हैं गोत्रान्वय होते हैं ऐसे पुरोहितों का सब संबंध होता है ऐसी कितनी बढ़िया व्यवस्था थी पहले और सब कुछ व्यवस्थित इधर का उधर नहीं कर सकते ऐसा होने से सौ भोग तुम उपविष्ट हो ये भोजन के लिए बैठ गए तो बैठे तो तब उसमें दोनों का संबंध मालूम हो गया और उसने भी चैत्र रथ मालूम हो गया कापेय योग हो गया इतने से बाकी क्या सिद्ध होगा कापेय योग होने से वो क्षत्रिय है और वो क्षत्रिय होने से ज्ञान श्रुति कैसे क्षत्रिय हो कहते हैं कापेय योग भी योगे भी कथम तस्य चैत्ररथित्व प्रथा कापेय योग होने पर भी उसका चैत्ररथित्व कैसे सिद्ध होगा चित्ररथ के संबंध कैसे सिद्ध होगा बोला कि कापेय योगो ही चित्ररथ से अवगत था कापेय के साथ संबंध कापेय गोत्र ब्राह्मण पुरोहितों के साथ याज्ञिक संबंध चित्ररथ का अन्यत्र गुना है अवगति में छांदो के श्रुतिया उदयती अवगति को ही छांदो के श्रुति से स्पष्ट करते हैं छांदो के लिए बोल रहे छांदो के भी नहीं मिलेगा ये वाक्य छांदो के शाखा के छांदो के ब्राह्मण के शाखा के अंदर गलाने से तांडे ब्राह्मण है वो ये सामवेद के ही है इसलिए उसको छांदो के द्विरात्रेण यदि आवत एतेन मने वहां यज्ञ का प्रकरण है द्विरात्र नाम के यज्ञ के द्वारा चित्ररथस्य कापेय योगे भी कथम अभिप्रदारिणः चैत्ररथित्व अब जो है चित्ररथ है कापेय के साथ संबंध करने से कापेय पुरोहितों के साथ संबंध हो गया तो भी अभिप्रदारी का चित्ररथ के साथ संबंध कैसे होगा उनका अन्वय कैसे होगा तत्रा इसके लिए सामान्य नियम का आलम्बन करना पड़ेगा समान अन्वयानां च प्रायेण समान अन्वयाः याचकाः भवन्ति ये कर्मकांड नियम है समान कुल परंपरा के जो है उनका समान कुल परंपरा के साथ ही संबंध होता है ऐसा एक सामान्य नियम है जिसके तहत आज भी कुछ न कुछ चलता हिंदू कुल परंपरा से ही वो काम करते हैं और एक ही जगह जाते हैं वो पहले जमाने में सबका अपनी एक कुल देवता होती आपने अभी सुना होगा कुल देवता के बारे में कुल देवता होती थे कुल क्षेत्र होता था
कुल क्षेत्र, कुल देवता और कुल के साथ संबंध रखने वाले कर्मकांड जहाँ करते, उसके नदी या समुद्र आदि जहाँ कर्मकांड, उसका विशेष स्थान होता था। ये सब पहले सब नियम के अनुसार होता था, वही जाके करेंगे। मैंने कोई गंगा में, गया में या जहाँ भी जाकर के कर्म करते तो उनके परंपरा के लोग वहीं जाके, अभी के परंपरा लोग वहाँ शांत पितर प्रणाम करेंगे। और जो अन्य के हैं, अन्य जहाँ है उनका वहाँ जाके करना होता था। कुछ देवता की पूजा करनी होती, कोई भी मंगल कार्य के पहले कुछ देवता को साथ जाने पूजा करना, इसी प्रकार ये सब व्यवस्थित था। वहाँ के पुरोहित भी निश्चित थे, इस प्रकार से सब कुछ दिख रहा था। अब जो है सब उथल पुथल होने से किसी को कुछ मालूम नहीं है, वो क्या करते हैं कहीं मालूम नहीं। कई लोग आरोप लगाते, आरोप ये लगाते हैं आजकल जो है मंदिरों में जाने से वहाँ जो है वहाँ के मंदिर के जो पंडा होते हैं वो लोग पैसा के लिए करते हैं, ऐसे पकड़ करने आते हैं, बहुत परेशानी होता है। कई लोग कई प्रकार के अनुभव हो जाते हैं, होते भी है। जैसे आप काशी में जाएंगे या कोई छोटे नीचे मंदिर में जाएंगे, छोटे छोटे मंदिर भी नहीं होते, बड़े बड़े मंदिर में ज्यादा लोग आते हैं, वहाँ इस प्रकार से व्यवहार दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यवहार का, ऐसा व्यवहार पहले करते थे, ऐसा कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता। अब ये व्यवहार क्यों शुरू हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। लोग तो आरोप तो लगा देते, अरे ब्राह्मण होने चाहिए, अरे तू करो ऐसा कर, ब्राह्मण हो गया ऐसे कर, ऐसे करके जो बड़े बड़े सेठ लोग आते वो बड़े आरोप लगाते। लेकिन ये कभी कभी नहीं सोचते हैं कि उनको वो परिस्थिति कैसे हुई, उनको ऐसे स्थिति में क्यों उतरना पड़ा। ये दया की बात है, कोई नहीं सोचते, खाली उनको ऊपर आरोप लगा देते। एक बात आप सोचिए, ब्राह्मण हो ना हो, वो उच्च वर्ण के हो, किसी भी स्थिति में हो, व्यक्ति का अपना स्वाभिमान रहता है, स्वाभिमान सबका होता है, कोई छोटा बच्चे को भी स्वाभिमान होता है। और उच्च वर्ण के होने के कारण स्वाभिमान सदा ही होता है, तो उन्होंने अपने स्वाभिमान को भी त्याग कर एक सामान्य व्यक्ति की तरह या कोई पैसा मांगने वाले की तरह आपके पास आकर के उनके तरफ लेके पैसा के लिए समझ लीजिए दक्षिणा के लिए ही करा रहे हैं, मान लेंगे तो ऐसा करने के लिए उनको करना क्यों पड़ा, इसलिए करना पड़ा कि सारे अव्यवस्थित कर रहे, व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था भी कोई मान्यता नहीं दिया। और अभी जो हमारे सरकारें चल रही है, हमारी जो राज्य व्यवस्था चल रही है, वो इन मंदिरों के लिए ये व्यवस्था ये कैसे करनी चाहिए इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि हमारे संविधान में भी, हमारे सरकार के जो चरण चालन में भी आध्यात्मिकता और इसके साथ कोई संबंध नहीं है, इसमें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए उन्होंने नहीं कहा। इसलिए मैंने पहले आपको इसको विस्तार से बताया था, ये दोनों को अभी मिलाना नहीं चाहिए। अभी का हमारा राजधर्म क्या है, नीति क्या है पूछने पर जो संविधान में लिखा है वही हमारा राजधर्म है, वो मानना पड़ेगा। क्योंकि राजधर्म का मतलब राजा रहते हुए शासन का के लिए जो धर्म बनाया जाता है, जो नियम कानून बनाया जाता है उसी को कहते हैं। पहले जमाने में स्मृति आदि में याज्ञवल्क्य स्मृति या शुक्र नीति, महाभारत और मनुस्मृति आदि आदि में जो नियम कहे गए थे उन नियम के अनुसार, बाद में अर्थशास्त्र आ गया तो उसी के अनुसार चलने लगे। ऐसे ही हजारों हजारों सालों से हमारी चल रही है, अब वो व्यवस्था बदल गई, किंतु उस व्यवस्था में इस व्यवस्था में अंदर क्या है, इसके कारण ये सब स्थितियां पैदा हो रही। दोनों में अंतर ये है कि उस व्यवस्था में, उस समय जो वो जो पुरातन व्यवस्था है उसमें राजधर्म भी है, दंड नीति भी है। अभी हम देखेंगे दंड नीति की व्यवस्था है, राजधर्म है, दंड नीति है, और साथ में आध्यात्मिकता के जो भी साधन करते थे, धर्म आचरण या वेद संबंधी वैदिक कर्म व्यवस्था, उसके साथ उसके लिए भी इसी प्रकार राजधर्म के अंतर्गत व्यवस्थित नियम, तो कोई इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे अब हम कोई गलती करने से उसको दंड देते थे, उसी प्रकार उसको भी इसी में मिलाया हुआ, इसीलिए वो मंदिर में भी कोई गलती करेगा तो
वो कर सकते। आजकल मंदिर में कोई गलती करेगा तो वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से कोई भी धर्म के अंदर दखल नहीं कर सकता है। तो मंदिर के कॉम्पाउंड के अंदर व्यवस्था अलग करनी चाहिए, ऐसा रखा है। उसका एक फायदा लोग सोच रहे हैं, लेकिन फायदा से ज्यादा नुकसान। वो राजधर्म में ऐसा नहीं। अब वेद को कोई निंदा करता है, वेद में मनमानी किताब लिखते हैं, वेद को कुछ बोलता है या वेदवादियों को निंदा करता है, तो कोई कानून उसको कुछ नहीं करे। अब स्वतंत्र है, आप कुछ भी बोलने में स्वतंत्र है, वाचाल है, बोल सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसा आजकल किसी को क्रिटिसाइज करने से मानहानि का केस होता है, देखिए मानहानि का केस होता है, वो बड़ा केस होता है। वो कौन किसी को समान रूप से कोई भी किसी को क्रिटिसाइज किया, आप जाके मानहानि का केस लगा सकते। लगाने पर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, सब कुछ करना। लेकिन वो तो रखा है, ये धर्म के संबंध में धर्म को कोई हानि पहुंचाया, लोगों के आचरण को कोई हानि पहुंचाया, उसमें कोई मानहानि का। जो धर्माचरण करते हैं, धर्म आचार्यों को गाली दिया या उनको बोला था, वो मानहानि के अंदर। मानहानि उनको करके जाके करना पड़ेगा, मेरे को दिया, एक नागरिक के तौर पर वो चलेगा, लेकिन ये धर्म के दर पर नहीं चलेगा। उस समय वो भी था, आप निंदा वजन बोल दिया वो भी गलती। ये दोनों अलग अलग व्यवस्था। ये यदि हमारे संविधान की जो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है, इन सबको भी यदि मिला दिया गया, यदि मिलाते होते तो कुछ और ही चीज। ठीक है, अलग अलग धर्म है, हम उसकी बात नहीं, सभी को मानो। जो धर्म आप जिनके भी मान्यता दे दिए है, सारे धर्म का अपने अपने ढंग से जो जो करना है उसको ऐसा ऐसा होगा, ये मानना चाहिए कि धर्म के साथ मानना चाहिए था। और धर्म के साथ नहीं मानता है, नागरिक व्यक्ति के रूप में मानता है। अभी एक साधु है, साधु को किसी ने पिटाई दिया, अब कुछ किया बोलो, वो किया है, तो आप साधु के तौर पर जाके केस नहीं कर सकते। अब एक नागरिक है, आपके पास आधार कार्ड है, आप भारत के नागरिक है, जाकर के FIR दर्ज कर सकते, बाकी आपका पैसा चलेगा। उस साधु के पास पैसा है कि रहने के जाके, वो केस लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते, कुछ नहीं देखता, उसको मतलब ही नहीं, साधु होने का कुछ मतलब ही नहीं। ये बहुत बड़ी हानि है। इसी के कारण ये सब स्थितियां अभी जो मंदिरों में लोग आरोप लगा रहे, ये हो गया, व्यवस्था नहीं है, वो बाहर की व्यवस्था। और अभी देखिए, पहले जमाने में क्या होता था, कोई भी यजमान, कोई भी सेठ वर्ड, कोई भी आएगा मंदिर में, उसको कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं। और वहाँ उनके पुरोहित जो परंपरा से पुरोहित वहाँ रहेंगे, उधर का वो पुरोहित आएगा, वो अपने आप जाएंगे या उनको जाके आचार्य वरण करेंगे, जाके मिलेंगे, हम आए हैं, हमारे लिए पूजा पाठ कराएंगे, पूजा पाठ करता था वो। कोई मंदिर में प्रांगण में वहाँ इंतजार नहीं करते थे, ब्राह्मण के घर जा करके बुला करके लाना पड़ता था मंदिर में पूजा करने की। तो अंदर के पुजारी अलग रहेगी, आपके यदि पुजारी अलग है तो बुला के लाना पड़ता। अब वो कुछ नहीं है, अब किसी को मालूम नहीं है कि किसका कोई परंपरा है, वो कहाँ ढूंढेंगे, ब्राह्मण कहाँ जाएगा, और उनकी जीविका उसी के लिए लगा रखे हैं वो। अब कुछ भी हो, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उन्होंने इतना समर्पण तो विश्वास में रखा है कि मंदिर से जो भी आएंगे उसी से हमारे अपने पेट भरेंगे, बच्चों को मालेंगे, इतने में वो आश्रित है। अब आश्रित होता हुआ भूखा प्यासा है, अब देखिए कितने लोगों का, बहुत लोगों को जाना, दरिद्रता की बात कर, ये अव्यवस्था मैं बोल रहा हूँ, इसके कारण अव्यवस्था है। और ऐसा करने पर क्या करते हैं, ये व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश नहीं करते लोग, उल्टा उनके ऊपर आरोप लगा देते, उनको ये करते, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, बाकी सब लोग सब कुछ कर सकते, गलत कर सकते, वो किसी को खुद से पूछ करके कुछ मांगा तो वो अलग, वो तो खाली उन्होंने बुलाया, पैसा मांगा या पूजा करने के लिए कहा, वो तो कोई चोरी नहीं किया, नहीं कोई पिटाई नहीं किया। तो ऐसा करके भी कोई चोरी करके पिटाई करेगा तो वो तो अलग है। ये है इसमें परिस्थिति, इसको बदलने की आवश्यकता है। यदि आप सब जगह समानता की बात करते हैं, सबको सबका अधिकार देने की बात करते हैं, तो आपको धर्म को छोड़ करके, धर्म के जो हमारे संस्कृति में जितने आचरण बचे हुए हैं, लोगों के मन में वो घुसा हुआ है, वो छोड़ नहीं सकते आप, छोड़ नहीं सकते। अभी भी जो लोग नहीं जानते वो भी आकर के मंदिर में पूछते हैं, हमारे जो है आप किताब निकालो, हमारे जो है परंपरा के लोग कहाँ गए, क्या कुछ लोग तो बुजुर्ग लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो पूछते हो, तो इतने संस्कार उनके अंदर तो बैठा हुआ है कि हमारे पुरोहित तो अलग हो, तो पुरोहित को ही कराना है, तभी वो कर्म सार्थक होगा। तो ये व्यवस्था जब तक उनके मन में है, तब
तक आप इसको उलट पलट नहीं कर सकते, करेंगे तो आपको यही परिस्थिति बनेगी, ऐसा नहीं बन पाएगा। तो ये जो तीर्थ स्थानों में जहाँ जहाँ लोग पिछले साल में कुछ लोग मिल करके एक पत्र लिखे, आप इसके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे सांझी में सब। व्यवस्था क्या करना है कि ये जो है उनके लिए एक विशेष पंजीकरण करवा जाए, पंजीकरण करके अमुक जो है अमुक समय पर अमुक दिन काम कर सकते हैं, इस प्रकार से व्यवस्था बना दिया जाए। तब क्या है, आने वाले के भी परेशानी नहीं है, करने वाले सुविधा से कर सकते हैं। ऐसे काजी ने अभी शुरू किया है, नगर पालिका की ओर से उन्होंने महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था कुछ करने का पहल शुरू किया है, और उसमें आईडी कार्ड देते हैं और उनको इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू करके उनका नाम ये सब लिखा हुआ होता है, तो कोई भी आएंगे तो उनको उनसे बात कर सकते हैं, उनके अपने परम्परा ये सब रहेंगे। ये कोई पूरी ने भी किया, आईडी बनाए बनाना पड़ेगा, अब इसमें दूसरा तो चलेगा नहीं, और उनके लिए जो अनुदान यदि उनके लिए सब कुछ पर्याप्त यदि मिलता होता तो इस व्यवहार में वो आते नहीं, ये सोचना चाहिए क्यों ऐसा आ रहा, उनको पर्याप्त नहीं मिल रहा है, उनको जो कुछ चाहिए वो नहीं मिल रहा, इसके लिए सोचना चाहिए, इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए ये उस जमाने की बात है, उस जमाने में भी ऐसे ही रहते, कारण क्या है आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये जितने भी लोग बोलते हैं जो बात आ गया तो बता रहा है कि ये दोनों हमारे प्रकरण पूरे समाज से जुड़े हुए हैं, समाज की बातों से लेकर के ये प्रकरण है, कर्म व्यवस्था को लेकर के है, तो व्यवस्था शास्त्र अपने आप आता है, इसमें भी कोई धर्म की बात तो है नहीं, समाज व्यवस्था की बात है, तो कई बात है अभी जब जब शुरू किया उसमें और कुछ राजनीति समाजवाद सब चल रहा है, चलना पड़ेगा क्योंकि वो विषय ऐसा। देखिए ये चार वर्ग में जब देखते, आजकल बोलते हैं कि वो जो चतुर्थ वर्ण है या उच्च वर्ण है, नीच वर्ण है, ऐसा करके विभाजन किया, उन्होंने कई तरह के विभाजन किए, और करने के बाद बोले कि उच्च वर्ण सारे संपत्ति को हर लिए, ये इनका आरोप है, सारे संपत्ति को उच्च वर्ण जितने भी है सब हर लिए और बाकी लोगों को कुछ दिया नहीं, उनको प्रताड़ित किए, उनको पीड़ा दी, उनको समाज से अलग किया, वो किया ये किया सब आरोप लगा, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं, सच्चाई इसके विरुद्ध है। ये देखिए कि हमारे वर्ण व्यवस्था शास्त्र के अनुसार जो सबसे पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण और सबसे जो चतुर्थ वर्ण, इन दोनों को अपने आप कमा करके जो भी है चतुर्थ वर्ण तो अपने आप कमा सकते हैं, लेकिन इन दोनों के पास में धन अधिक नहीं रहता, जो सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण और चतुर्थ वर्ण, ये देखिए बीच वाले जो क्षत्रिय और वैश्य होते थे इनके पास ही धन होते, क्षत्रिय तो राजा होने के कारण सब जगह राज्य भसार उनका होता था, उसके बाद क्षत्रिय तो सबसे धनवान होता है, वो सब कुछ धन उनका ही होता था, पूरा राज्य उनका है, चक्रवर्ती तो सब सोना चांदी आदि आदि सब कुछ उनके पास, वैश्य लोग व्यवसाय करने के कारण बिजनेस आजकल जो बिजनेस कर रहे उनके पास धन बहुत होता था, वो अब ये क्षत्रियों का वैश्यों का बहुत संबंध होता था, ये धन कमाते हैं और क्षत्रिय उनके लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, सब व्यवस्था कर देते हैं, तो ये धन कमा करके तैयार करते हैं और सबके लिए राज्य में व्यवस्था करने के लिए, रोड बनाने के लिए, काम करने के लिए, समाज के लिए जो जो चाहिए सब व्यवस्था करके पूरा संभाल देते, जो भी युद्ध आदि करना है जो भी करना। अब पहला वर्ण है वो क्या कैसे जीवन चलाते थे, वो भिक्षा मांग करके जीवन चला, पहला वर्ण भिक्षा मांग करके जीवन चलाने के कारण, और मृदि आदि ने स्पष्ट कहा है वो तो 6 महीने से ज्यादा पैसा नहीं रखते, पैसा की बात दूर है कि सामान भी 6 महीने के लिए रखना है, उससे अधिक नहीं रखना, अपने खाना पीने के लिए रखना है, तो उसके जो ब्राह्मणों के पास नहीं होता। और जो चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ वर्ण सबके लिए मदद करते थे, सबके साथ में सेवा करना, फिर वो महल में भी राजा के साथ भी है, वैश्यों के साथ भी है, ब्राह्मणों के साथ भी है, यज्ञ में भी सब मदद करना, सब जगह उनके मदद होते थे, तो जो वहां से भत्ता के रूप में अनुदान के रूप में जो मिलता था उसी से उनका जीवन चलता। अब ये दोनों ही खाने के लिए दोनों दरिद्री थे, अब
हम देखते हैं कि उल्टा दिखाई पड़ता है, ब्राह्मणों के पास बहुत धन आ गया। कैसे आ गया? ये कमाने से नहीं आया, ब्राह्मणों के पास यदि धन आया आपको दिखाई दे रहा है वो दान से मिला हुआ होता है, दान से प्राप्त होता है, क्योंकि विशेष स्थिति में दान देने की अभी भी प्रथा है। तो क्षत्रिय आदि वैश्य आदि जो भी है अन्य वर्ण के ब्राह्मण भी दान देते हैं, सभी लोग दान देते थे, वो दान के कारण उनके पास संपत्ति हो जाती, स्वभावतः वो संपत्ति उनकी नहीं होती। तो वो संपत्ति का प्रयोग वो किसलिए करते थे कि अपने धर्माचरण के लिए, अपनी आगादी का अनुष्ठान करने के लिए करते थे, बस कुछ करते, उस प्रकार उनको आ गया। बाकी स्वभावतः अब हमारे इतिहास में देखिए, पुराणों में देखिए, कहीं भी ब्राह्मण की चर्चा आते हैं, ब्राह्मण की कथा आते हैं, तो सेठ ब्राह्मण के बारे में कहीं कहा है? एक भी कथा आपको नहीं मिली, तो सब लोग नहीं सोचते, सोचते नहीं है। वो गरीबी थे, गरीबी रहना उनके लिए शान था, गरीबी रहने उनका वो कोई कमी नहीं मानते थे, क्योंकि ये कहा गया है कि लक्ष्मी का और सरस्वती का दोनों का साथ में नहीं चलेगा, और जो आप सरस्वती को उपासना में लगेंगे सुबह से शाम तक उसी में लगे रहेंगे तो उसी में ही आपका समय बीतेगा, बाकी कमाने के लिए कोई लगने के लिए नहीं। जब भोग लगेगा तो भिक्षा मांग लेना है, भिक्षा मांग करके जो भी दान देंगे उसको ला करके खाना, बच्चों को खिलाना है, वो वेद पाठ करना है, बड़ों पर करना है, बड़े बड़े याग यज्ञ होते हैं तो थोड़ा बहुत लक्षणा सोना चांदी जो भी मिल जाता था और उसी से उनका सब कुछ होता। अब कितने यज्ञ होंगे, कभी अकाल पड़ गया तो आप हम कथा कितने कथा देखते हैं, अकाल पड़ गया तो वो चाक्रायण जो ऋषि है उनके पास इतने बड़े विद्वान, खाने के लिए कुछ नहीं, वो भीख मांगने के लिए निकल गए, ये सोचना चाहिए। लेकिन ये स्थिति कभी चतुर्थ वर्ण को नहीं थी, सच्चाई ये है, चतुर्थ वर्ण को ये स्थिति नहीं थी, इसलिए क्योंकि चतुर्थ वर्ण हमेशा ये सेवा की दृष्टि से या कार्य की दृष्टि से उनको कहीं न कहीं आश्रय मिलता था, वो भी राजाओं के साथ या जो भी अन्य उनके साथ उनके जैसे नौकरी आदि उसमें होता था, ऐसे ऐसे आपस स्थिति ऐसे स्थिति उनके नहीं होती थी, जैसे ब्राह्मणों के बारे में आपको मिलता। कारण ये बता रहा हूँ कि ये दृष्टि से हमको सोचना पड़ेगा, वो सच्चाई है, आप दूसरा उदाहरण दे नहीं सकते। बड़े बड़े जो कवि लोग हुए, पंडित लोग हुए, माघ के बारे में कहते हैं, माघ आप जानते हैं, माघ एक बड़े कवि हुए, उपमा कालिदासस्य हारवे रक्ष गौरव दंडिन पदलालित्यम माघे संति। माघ बहुत बड़े कवि हुए, कि उनके मन क्या बताए, उन्होंने शिशुपाल वधम नाम के जो काव्य लिखे हैं पढ़ने लायक। तो ऐसे माघ कवि अनेक उदाहरण है, एक मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, माघ कवि इतने बड़े कवि थे, इतने बड़े ज्ञानी थे और उनकी कविताएं अभी भी चलती है। ऐसे कवि आपको पता नहीं, वो भूखे भूखे मर गए, बिना खाना पीने से उनका जीवन नष्ट। ऐसे कथा में कहते हैं कि कविता लिखते रहते थे घर में, पत्नी ने कई बार कही आप तो दिन भर बैठ के लिख रहे हैं, जैसे सुदामा की कथा है वैसे। तो ये जो अभी पोथी बना के इतने बड़े मटन बंधन बना के लिख रहे हैं, तो इसको लेके कभी राजा के पास जाइए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करी, ये तो हम दुशार लेकर के कब तक चलाएंगे। कई बार बोलते रहे खाने पीने के लाले हैं आप तो यहाँ कविता लिख रहे। उन्होंने कहा ये बात अलग है, ठीक है, कोई राजा को मालूम हो गया कोई कुछ दिया तो ठीक है, ये हमारी बात है, वो साधन जैसे करते। लेकिन सुन सुन करके थक गया, एक दिन उन्होंने सोचा ठीक भी है, हम भी वृद्ध हो गए हैं, कम से कम हमारे बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था हो जाएगी, जाके ये जो लिखा हुआ है इसको बांध करके ले जाते हैं, राजा को दिखाते हैं, तो राजा कुछ देंगे, अच्छा हो जाएगा। ऐसा सोच करके घर से निकल गए। चलते चलते वैसे भी कमजोर रहा होगा, धूप के दिन के समय गर्मी के समय चलते चलते बहुत थक गए, एक पिपल के पेड़ के नीचे ये पोथी पोथी जो बनाए उस समय साल पत्र में लिखते थे, साल पत्र का जो संभाल के झूलने रखे हो गया, तो मैंने अभी चलने लायक नहीं है उनका शरीर, वो थक गया।
तो उनको समझ में आ गया कि अभी मैं आगे नहीं बढ़ सकता, वही लेटे रहे। लेकिन लेटने के बाद में उनको मन में बहुत जगा, अब तक मैं सब कुछ किया तो अब देखिए मैं न राजा के पास पहुंचा न घर घर में बीच में, यही मेरी मृत्यु होने वाली है, अब क्या करें। तो वो एक पीपल का पेड़ से वो पत्ता गिरा हुआ था, एक पत्ता निकालते हैं और पत्ता में एक श्लोक लिखते, श्लोक लिखा है बाकी कुछ भी कहे, जीवन में आनंद चाहिए तो पैसा चाहिए, धन के बिना आनंद नहीं। देखी मेरी ये यदि हो रही है, मैं मरने जा रहा हूँ, न मुझे खाने पीने को है। तो वो लिखते हैं न बुभुक्षितैर्व्याकरणं न भुज्यते विवासिदे काव्यरतो न दीयते न छंदका केन चिदुद्धृतं कुलं व्याकरणम न भुज्य। आप व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने के लिए दिन भर लगाते हैं, तो भूखा व्यक्ति है ना, व्याकरण का सूत्र चबाने से भूख नहीं मिलता। बुभुक्षितै व्याकरणम न भुज्य विपासितै काव्य रसो न दीयते, प्यास लग रहे हैं, प्यास लग रहे हैं। वो काव्य पढ़ करके काव्य रस, बहुत बड़ा काव्य रस होता है, आप बोलते काव्य रस पी करके किसी की प्यास बुझेगी क्या? न छंदसा केन चिदुद्धृतं कुलं, ये छंद छंद शास्त्र को पढ़ करके विद्वान है, छंद शास्त्र तो पढ़ा है, जिंदगी भर लगाया उसने, छंद शास्त्र पढ़ के किसी का कुल का उद्धार नहीं होने वाला है, ये मैं प्रमाण हूं, यही स्वयं इसके लिए उदाहरण। इसलिए बुद्धिमान है तो ये तो सब रहने दो, हिरण्यमेवार्जया, कैसे कैसे धन संपादन करो, बाकी बाकी सब वैसे ही है, ठीक है वो रहने दो, लेकिन धन नहीं है तो निष्फला गुणा मेरा, देखो ये आधा रास्ते में रोड में मर रहा हूँ, ना उधर गया ना इधर गया, क्यों? खाने पीने की होता कुछ शरीर में ताकत रहता तो ये मेरी नहीं होने वाली है, ऐसे के साथ लिखते हैं और लिखने के बाद वही मर जाते हैं। मर जाने के बाद में वो शाम को समय पुलिस वाला इधर उधर घूमते है, घूमते हुए देखा कि एक मरा हुआ, क्या करके देखा एक मरा हुआ, तो उसके पीछे ये भी है मंडल है, तो जो भी ऐसा अनाथ है धन मिलता है, जो भी मिलता है तो राजा का ही उसमें होता है, जैसे आजकल रास्ते में कुछ मिलता है तो पुलिस को देना पड़ता है, कुछ यही नियम से वो लोग जो है उसको गाड़ी में बैठा वो सबको लेकर के रखे, राजा के पास ले गया, राजा ने कहा ये कौन है, पता नहीं कैसा है क्या है, पता नहीं जैसा भी है उसको कर्म कर दो, कर्म करा दिया और बाद में देखे कि मंडल में क्या है, मंडल घूम के देखा राजा पटी देखा, इतने बड़े विद्वान स्वामी वो उनके नाम सुने हुए थे पहले, तो पढ़ने से उनको मालूम हो गया ये वही ब्राह्मण होगा, ये माध नाम के ब्राह्मण का था, बड़े पंडित है, वही हो सकता है, काव्य देकर उनको पहले तो समझ रहे थे कुछ और है, फिर उन्होंने पता लगाया उनके घर में गया इत्यादि जो भी है कथा है। लेकिन ये स्थिति थी, ऐसे एक नहीं ऐसे कितने ही सारे आपको उदाहरण, इसलिए आजकल ये जो आरोप लगा रहे हैं ये इसलिए लगा रहे हैं कि इनको ये पहले की व्यवस्था क्या है मालूम नहीं, समाज कैसे संतुष्ट और समभाव से अपने जीवन चला रहे थे ये मालूम नहीं है, और वेद की व्यवस्था को पूरी तरह वो बदल नहीं सकते हैं, ये भी स्वीकार नहीं करते, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक चला था इसमें कोई आया, और हुआ क्या है बाद में कुछ स्वार्थियों ने अपने अपने हिसाब से करने के लिए, ये सब बाद में हुआ, ये राजशासन के बाद में या उस समय में ऐसा हुआ कि अपने अपने ढंग से ये सब कुछ करने लगे, क्योंकि राजशासन जैसा ही समाप्त हो गया कि ये जो राजशासन के अनुसार जो व्यवस्था उस पर किसी का कोई नियम नहीं रहा, किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहा, नियंत्रण नहीं रहने से क्या हुआ इधर उधर बदलने लगे, जिसको जैसा चाहिए वैसा करने लगे, अब वो आग रोक नहीं सकते, यहाँ आपस में हो रहे ना, जैसे मुगलों का राज्य शुरू हुआ
तो वो कहाँ इनको मदद कर रहे थे, कहाँ राज जो धर्म हमारा चल रहा था, ये व्यवस्था चल रही थी, उसको कहाँ पालन कर रहे थे, वो तो उसको तोड़ने के चक्कर में थे। इस चक्कर में बहुत सारे ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, जो जो अपने स्वार्थी चिंतन रखे, वो सब इधर उधर का सब कुछ करने वहीं से लेकर के सारे बुलेट बुलेट हो गए। बाकी हमारे नियम के अनुसार देखा जाए तो आज भी हम मान सकते हैं कि व्यवस्था ऐसे आजादी को अपने आप कह रहे देवदाधिकरण ने अपने आप सूचित किया, उनके समय में भी ये वर्ण व्यवस्था डगमगा गई, उथल फुथल वही भी हो रहे, वो तो उन्होंने बोल दिया अपने आप का बोल दिया आज समय भी ऐसे है। तो ऐसे जब बुद्धि समागे उस समय की बात है तो ये छोड़ने लगे इधर का उधर का। कई ब्राह्मणों के अंदर भी इच्छा रहती थी कि हमारे पास भी धन हो, हम सुखी जीवन दिए, इतनी इच्छा तो उनकी भी रहती है, स्वाभाविक है। और जो अन्य वर्ण के थे वो लोग भी चाहते थे, कोई राजा बनना चाहते थे, कोई मंत्री बनना चाहते थे, या कुछ धन संपादन करना चाहते थे, व्यवसाय करना चाहते, बहुत सारे ब्राह्मण व्यवसाय में चले गए पैसा कमाने के चक्कर में। ये सब हो गया तो फिर ये इसीलिए ये जब हम अपने इतिहास को देखते हैं, चरित्र को देखते हैं और उसी पर कुछ निर्णय करते हैं, इन सब पहलुओं पर देते हैं। और आप ब्राह्मणों का जीवन भी देखा होगा, ये उच्च वर्ण के लेकर कितना आरोप लगाते हैं, अभी हम लोग देखते हैं तो वो प्रयोग क्या करते हैं, एक नीचे एक कपड़ा होता है, ऊपर एक कपड़ा बांधते हैं, बिस्तर में भी नहीं सोते, नीचे चटाई डाल करके सोते, ऐसे सरल जीवन उनका रहता है। वो ज्यादा कमा करके करेंगे क्या, क्योंकि बाकी सब निश्चित है, वो ऐसे कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, ब्राह्मण के लिए ऐसे कुर्सी पे बैठना निश्चित है, उसमें कुशन नहीं होना चाहिए, कुशन वाले नहीं बैठते, लकड़ी का बना था जो भी बना उसमें बैठते, तो मंत्री आज होते उठते, आजकल किसी को बोलने तो हाथे आप कुर्सी में नहीं बैठते, वो नहीं ऐसे कोई भी। अब जो आप जो इतने मोटे मोटे जो क्या बिस्तर वो लगाते सोफा ये सोने के लिए जो भी लगाते, ये सब निषिद्ध था, ऐसा प्रयोग नहीं करना है, बीमार हो जाएगा उसके लिए निषेध, ऐसे में नहीं सो सकते, उनके लिए चटाई डाल करके उसमें चटाई में कपड़ा बिछा करके सोने का था। और जब जब वो भी कब वो पलंग में सोने का नियम है, हत्यारोप एक नियम होता है, तभी कर सकते, विवाह होने के बाद में ग्रस्त होगा तब हो सकता है, और उसके बिना वो पलंग पे भी नहीं सो सकते नीचे से, ऐसा ऐसा नियम था, सरल जीवन था। और भोजन में क्या खाते थे, भोजन भी क्या ऐसा भोजन नहीं करते, सामान्य भोजन होता है, सात्विक तो सामान्य भोजन होते। तो अब कहाँ आप इसको लगाएंगे, इन्होंने किसके लिए किया, किसके लिए क्या किया, कैसे किस वजह से किया, क्योंकि वो तो धर्म से तो डरते थे जिसके कारण धर्माचरण कर रहे थे। अब धर्म से डरने वाले ऐसे जिसके निषेध है उसका कभी भी नहीं है, लेकिन उस व्यवस्था को जो आपने बिगाड़ दिया तब तो बात अलग है, बिगाड़ने से कुछ भी होता है, कुछ भी आप कानून बना दो, कानून बिगड़ गया तो क्या नहीं करते, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जानकार, कानून के बड़े जानकार रखवाले तो उल्टा काम कर रहे हैं, उसमें फंस रहा है, गलत कर रहा है, तो आप किस हिसाब से उनको बोलेंगे कि कानून नहीं जानते है क्या। अरे व्यवस्था बिगड़ने पर, स्वार्थी होने पर, अज्ञान के कारण पागल होने पर कुछ भी कर सकता है कोई, वहाँ कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, बड़ा नहीं, छोटा नहीं, ना अमीर है ना गरीब है, कुछ नहीं है, वो तो पागल हो जाते हैं, पागल होने के बाद भी कुछ भी करता है, यही दिखाई दे रहे हैं, इससे आप अनुमान कर लो। इसलिए व्यवस्था बिल्कुल वैदिक जो व्यवस्था का जो आधार है वो आधार बिल्कुल पक्का ही, उससे जो बिगड़ गया बिगड़ गया, इसके कारण ये सब अभी बोलना चाह रहा है। ये जो काबे को लाया, अब ये काबे को किस प्रकार से लाया, ये सामान्य बुद्धि वाले अभी पढ़ने से समझ में नहीं आए, हमारे इस समय के हिसाब से देखेंगे तो ये घुमा फिरा रहे जैसा लगता है, ऐसा नहीं कर रहे, ये व्यवस्था थी पहले किस कुल के लिए किसके कारण, और उसको प्रमाण माना जाता था, इसीलिए भाष्यकार वो प्रमाण यहाँ दे, अभी तो प्रमाण नहीं है ना, उस समय वो प्रमाण था, उस समय की बात है, और समय को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस समय बोलेंगे तो वो प्रमाण नहीं है, उस समय वो प्रमाण था कि अमुक कुल के लिए अमुक पुरोहित होते थे, और उन पुरोहितों के नाम से भी वो कुल को पहचाना जा सकता था, और कुल के नाम से भी पुरोहित को पहचाने जा सकते थे। अब देखिए आपने
ये सुना त्रिशंकु भाई कथा आपने सुनी। त्रिशंकु जो है स्वर्ग जाना चाह रहे थे, समय हो गया ठीक है, त्रिशंकु को बुला कर तो स्वर्ग जाना चाह रहे थे, स्वर्ग जा रहे पसरी स्वर्ग जाने की उनकी इच्छा, सबके पास गए। अब त्रिशंकु जो है सूर्य वंश के राजा थे, तो सूर्य वंश के जो पुरोहित भाई वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी के पास गए कि आप ये किधर आइए, सब कुछ बोला, उन्होंने मना कर दिया कि ये तो बिल्कुल गलत है, शास्त्र विरुद्ध है, हम कैसे कराएंगे, तुम ऐसा तो जा नहीं सकते। सब जगह गया, सभी ने मना कर दिया, जो वशिष्ठ जी मना किए तो किसी ने स्वीकार। अब बाद में जो है वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी से थोड़ा झटपट था, वो जो ब्रह्मर्षि पद को लेकर के, तो ये मालूम हो गया ये ब्रह्मर्षि क्या विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी है, वो वशिष्ठ जी से उनका जो है बनता नहीं है, तो वशिष्ठ जी मना करने पर जरूर ये कराएंगे। ऐसे हुआ तो उन्होंने विश्वामित्र के पास चले गए, जाके बोला कि आपसे वशिष्ठ जी ने मना किया, ऐसा किया, वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते, मैं तो सशरीर जाना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा स्वर्ग लेने की इच्छा है, आपको किसके लिए जो भी ऐसे करना है। अब विश्वामित्र जी है वो तो पहले से उनका विरोध था, वशिष्ठ जी मना किया तो बिल्कुल मैं करके दिखाओ, वो अब से दिखाना चाह रहे थे समस्या के, वो सारे तपस्या जितने भी किए, सारा तपस्या का बल लगा करके सारे देवताओं का आवाहन किया, जो भी ऐसे करना था गिरिया, फिर उनको स्वर्ग में भेजा, ऊपर की तरफ भेज दिया, भेज दिया तो वहां जब पहुंचे तो इंद्र ने कहा भाई इधर नहीं आ सकते, वो बीच में से नीचे धकेल दिया, धकेल दिया तो नीचे क्या आ रहा, तो नीचे के आने से विश्वामित्र का अपमान हो जाता, तो गिर गया मर गया तो क्या सोचेंगे लोग, तो जब नीचे आ रहा था उन्होंने फिर अपने योग दंड के बल पर बीच में खड़ा करके कृष्ण को स्वर्ग बना, उनके पास सब शक्तियां थी, इसके कारण सब कुछ कर सकते थे, कृष्ण को स्वर्ग बना करके वहाँ ना उधर ना इधर ऐसा खड़ा करके महाराष्ट्र बोलते हैं जो शिविर कथा है। ये स्थिति थी। अब वहाँ वशिष्ठ जी को छोड़ करके वो इसलिए किया क्योंकि वो उसने आग्रह कर रहे थे, तो परंपरा से बाहर गया, ऐसा तो किया है लोगों ने तो होता है, लेकिन परंपरा उस समय भी है, प्रकार आपको मानना चाहिए सरकारी व्यवस्था का। ठीक है।